दोस्तों, मैं हूं अंकित। स्वागत है आप सब लोगों का टाइमिंग टीवी पे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PUBG मोबाइल की एक ट्रिक के बारे में, जिसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि कैसे आप स्नाइपर गन्स जो भी होती है, Kar98K M24 AWM जो भी स्नाइपर गन्स होती है, उनका आप अगर आपको स्कोप ना मिले या फिर आप TDM खेल रहे हो तो आप बिना स्कोप उनको यूज़ कर सकते हैं, वो भी एकदम डेफिनेट। तो उनके लिए आपको मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको उनको बिना स्कोप के यूज़ करना है, वो भी एक प्रो प्लेयर की तरह। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको सिंपली अपने PUBG मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको कंट्रोल्स में आ जाना है। कंट्रोल्स में आने के बाद जो आपका आपको अपने कंट्रोल्स को कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज में क्या करना है, जो आपका आई बटन होता है, ये रहा मेरा आई बटन। ये आई बटन अमूमन लोगों के कहीं यहाँ होता है, कईयों के यहाँ होता है, जहाँ भी होता है इसको आपको सिंपली कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज़ करके आप इस आई बटन को एकदम बीच में ले आइए। बीच में क्यों लाना है, क्योंकि यहाँ पे अपने गन का पॉइंटर होता है, जो भी गन होती है उसका पॉइंटर यहीं होता है, जो एम होता है अपना एम का पॉइंटर यहीं होता है। तो उस पॉइंटर के एकदम बीच में ले आइए, जिस वजह से अपना पॉइंटर थोड़ा बड़ा हो जाए और वो एक मिनी स्कोप की तरह लगने लगे। जैसे ही वो एक मिनी स्कोप की तरह लगेगा तो आपकी कोई भी गन होगी उसका पॉइंटर ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा और सामने जो भी बंदा आएगा उसको आप आसानी से मार सकते हैं, जो भी हेड शॉट है या बॉडी शॉट है। अब आपको मैंने ये बता दिया, आपको आई बटन यहाँ लाना है और कुछ नहीं करना है, और सिंपली इसको बाद में आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद एग्जिट कर दीजिएगा। अब मैं आपको ये बीच में लाने के बाद अब मेरा गेम प्ले दिखाता हूँ, और गेम प्ले से मैं दिखाता हूँ कि कैसे गेम प्ले इंप्रूव हो गया और कैसे आप Kar98 या जो भी स्नाइपर गन होती है उससे बिना स्कोप के मार सकते हैं। अभी देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे आप मेरे गेम प्ले में देख सकते हैं कि आई बटन एकदम से पॉइंटर के बीच में आ गया है, मेरे एम के एकदम बीच में आ गया है। तो यहाँ से मैं आराम से हेडशॉट ले सकता हूँ, बॉडी शॉट ले सकता हूँ, क्योंकि ये एक तरह से मिनी स्कोप बन चुका है, जैसा कि अलग मिनी स्कोप होता है, होलोग्राम होता है। तो ये एक छोटा सा तरीका था जिसकी वजह से आप Kar98 को बिना स्कोप के यूज़ कर सकते हैं TDM में, या फिर जो भी गेम आप खेल रहे हैं, रेंगल जो भी खेल रहे हैं, और आप और भी गन्स को यूज़ कर सकते हैं बिना स्कोप के। इसके लिए आपको एम करना ईजी हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा तरीका था। तो अभी आप आगे थोड़ा सा मेरा गेम प्ले देखिए।